हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। सो दोस्तों, आज हमारा 4 PM सीरीज़ में अगेन इकोनॉमी का टॉपिक है। और जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली न्यूज़ में GST कंपनसेशन का एक आर्टिकल आया है और मुद्दा रहा है दोबारा से, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक तो सीधी सी बात है, अभी तक आप सब लोगों को पता ही है कि इंडिया में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, हमने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस मोर और लेस जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबज्यूम करके एक सिंगल टैक्स बना दिया, जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। और ये GST हम क्यों लेके आए, हमने क्यों इंप्लीमेंट किया, क्योंकि हमारा एक जो विज़न है वो है वन नेशन वन टैक्स। हम चाहते हैं कि हरियाणा में रहने वाला और पंजाब में रहने वाला जो इंसान है, अगर वो सोनी की LED खरीदता है तो एक सोनी का सेम प्रोडक्ट जितने पैसे में उसको हरियाणा में मिल रहा है, उतने ही पैसे में उसको पंजाब में मिले। ऐसा ना हो कि हरियाणा वाले जो है वहाँ पर सस्ता मिल रहा है वो प्रोडक्ट और पंजाब में महंगा। तो हमने क्या सोचा कि वन नेशन वन टैक्स लेके आते हैं, जिसका नाम दिया गया, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारा मेन मोटो है। अब GST जो सिस्टम है ना दोस्तों, इसके कुछ बेसिक पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा है, ठीक। सबसे पहली बात, इस सिस्टम में GST काउंसिल आती है, ठीक है। अब देखिए, GST है, अब अगर स्टेट्स, पहले क्या सीन होता था कि स्टेट्स अपना सर्विस टैक्स जो है, सेल्स टैक्स एंड ऑल, ये स्टेट्स अपने पास अपना खुद का लगाते थे, ठीक। बहुत सारे टैक्स थे, वैट टैक्स था, जो स्टेट्स अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करती थी, ठीक है। अब अगर वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, स्टेट्स को अपनी वो टैक्स लगाने की जो पावर है वो छोड़नी पड़ेगी। अब वो पावर स्टेट्स भी नहीं छोड़ना चाहते, और दूसरी तरफ से अब जो सेंटर है तो सेंटर को भी पावर अपने हाथ में लेनी है, तो स्टेट्स वो भी पावर उसको अपने हाथ में नहीं लेने दे रहे। तो इसीलिए क्या बनाया गया कि GST सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, हमने एक बनाई GST काउंसिल। GST काउंसिल ये बनाएगी दोस्तों कि इसमें क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बनेगी, ठीक है। GST काउंसिल जो है वो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये GST जो है, हमने अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट की, उसके अंदर हम लेके आए थे हमारा GST एक्ट, ठीक है। अब ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स की भी और सेंटर की भी, ठीक है। स्टेट एंड सेंटर जो है दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इस काउंसिल में, और ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है GST के केस में दोस्तों। अब जब मैं GST काउंसिल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें है क्या, इसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सेंटर की जो यहाँ पे वोटिंग पावर है वो क्या है, 1/3, ओवरऑल जितनी वोटिंग पावर है उसकी 1/3 किसके पास है, सेंटर के पास। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों डिसीजन मेकिंग, तो इस काउंसिल का जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, वो कितनी मेजॉरिटी चाहिए उस डिसीजन को लेने के लिए, 3/4 जो है मेजॉरिटी चाहिए। अगर आपके पास 3/4 मेजॉरिटी है, तो जो भी इंप्लीमेंट डिसीजन होगा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो GST काउंसिल है, ये एक कंसेंसस मेकिंग बॉडी है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो किसके ऊपर चलती है, कंसेंसस के ऊपर चलती है। और कंसेंसस के लिए आपको क्या चाहिए, 3/4 जो है वो चाहिए इनकी वोटिंग, एक किसी भी एक डिसीजन की फेवर में, ठीक है। अब ये हो गया सबसे मेन पिलर जो आपका GST का है। और अगर देखा जाए तो ये काउंसिल काम क्या करती है दोस्तों, इस काउंसिल का काम है कि कितना GST रेट रखना है, कितना कम करना है, किन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर GST होना चाहिए, किन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर GST नहीं होना चाहिए, कौन सी गुड्स इनके अंदर होनी चाहिए, कौन सी गुड्स इस सिस्टम के बाहर होनी चाहिए, ये सारी की सारी डिसीजन ये काउंसिल लेगी। अब सेकेंड जो आता है पिलर, वो है कि कितना टैक्स रेट। तो दोस्तों, टैक्स रेट के मामले में टैक्स स्लैब्स, आज की डेट में इंडिया में हम 4 टैक्स स्लैब्स जो हैं GST की फॉलो करते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। ये 4 टैक्स स्लैब्स हैं दोस्तों जो इंडिया में GST के अंडर फॉलो की जाती हैं। अब अगर बात की जाए कि ये किस तरीके से फॉलो की जाती है दोस्तों, तो उसमें एक नॉर्मल सा फंडा ये है कि जितने आपके असेंशियल गुड्स हैं,
ठीक है, जो बहुत ज़रूरी वाला सामान है उसके लिए हम कम टैक्स रखते हैं, मतलब 5% 12%। और जो आपकी लग्जरी गुड्स हैं, गाड़ी, अगर आप कहो कि गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, मर्सिडीज़ की गाड़ी खरीदनी है एंड ऑल, उसके ऊपर हम मैक्सिमम जो स्लैब है 28% वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो एज पर द रिक्वायरमेंट अगर लग्जरी बढ़ रही है तो उसके ऊपर GST आपका बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये चारों के चारों जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, तो दूसरा पिलर हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये बाद में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये जीएसटी सिस्टम जो है दोस्तों, ये अगर आपने भी देखा हो कैसे लागू होता है, अगर हम बात करें तो दो तरीके का जीएसटी कटता है अगर हम स्टेट में बात कर रहे हैं। एक आपका जीएसटी हो गया कौन सा, सेंट्रल जीएसटी हो गया, और दूसरा दोस्तों होता है स्टेट जीएसटी। ठीक है, अगर मान के चले कि 12% वाले जीएसटी की हम बात कर रहे हैं तो 12 में हमारा जो 12% हमसे टैक्स लिया जाएगा उसमें से 6% सेंटर के पास जाता है दोस्तों, और 6% किसके पास जाता है, स्टेट्स के पास जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका जीएसटी सिस्टम जो है काम करता है। ठीक, अब इस जीएसटी सिस्टम में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी कंपनसेशन टू दी स्टेट्स। ये कंपनसेशन का मुद्दा छिड़ा कैसे दोस्तों, जीएसटी कंपनसेशन का जो इशू आता है वो आता यहाँ से है कि ये जो जीएसटी सिस्टम है ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये पंजाब है और ये हरियाणा। ठीक है, पहले जो जितने भी टैक्स सिस्टम थे वो इस तरीके से थे कि अगर पंजाब में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका टैक्स किसको जाएगा दोस्तों, पंजाब को जाएगा। ठीक, बट ये जो आपका जीएसटी सिस्टम है ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर लेट सपोज पंजाब में कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है बट उसकी कंजम्पशन हरियाणा में होती है तो जो टैक्स जाएगा वो किसको मिलेगा, हरियाणा को टैक्स मिलेगा, पंजाब को वो टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसका लिए इसको कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये टैक्स फाइनली किसके ऊपर लगता है दोस्तों, जो आपका कंज्यूमर है। ठीक है, फाइनली उस कंज्यूमर को टैक्स पे करना होता है। अब यहाँ पे एक मुद्दा छिड़ा, मुद्दा ये कि पंजाब कहता भाई जो टैक्स मेरे पास आना था मैं क्यों वो फोरगो करूँ, मैं क्यों जाने दूँ वो टैक्स। ठीक है, बना हम रहे हैं, हरियाणा कहता है जी देखिए मारुति का प्लांट हमारे यहाँ लगा है, गाड़ियाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो क्या कि हम वो सारा का सारा जो टैक्स हम कलेक्ट करते थे वो पंजाब को दे दें, ना ये गलत है। तो अब बट हमने वन नेशन वन टैक्स फॉलो करना था, तो सेंटर ने एक बात की कि लेट्स डू वन थिंग। 2017 में हम इसको इम्प्लीमेंट हमने किया था जीएसटी सिस्टम को, तो सेंटर ने कहा कि अगले 5 साल तक, ठीक है, अगले 5 साल तक हम एक चीज़ इंश्योर करते हैं आप सब स्टेट्स के लिए। ठीक है, वो चीज़ क्या है, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक, हम आपको क्या करते हैं जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो जीएसटी रेवेन्यू है, जीएसटी रेवेन्यू वो पर ईयर 14% की रेट से बढ़ेगा। ठीक है, जीएसटी रेवेन्यू आपका पर ईयर 14% की रेट से बढ़ेगा। अगर लेट सपोज आपका एक साल 14% नहीं बढ़ा, मान के चलो 7% बढ़ा, ठीक, तो ये गैप जो है 7% का जो ये गैप रह गया जो हमने प्रॉमिस किया है और जो एक्चुअल में बढ़ा, वो गैप हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, हम आपको वो पैसा देंगे। ठीक, तो ये दोस्तों सेंटर ने क्या कहा कि अगले 5 साल तक, मतलब 2022 तक हम आपको ये पैसा कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक, हम प्रोमिस करते हैं कि आपका जीएसटी जो है 14% जो है पर ईयर के हिसाब से वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये सिस्टम आता है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स कितना है, जुलाई 2017 से लेके जून 2022 तक। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ एक साल रह गया है कि स्टेट्स को और ये कंपनसेट किया जाएगा 2022 तक, उसके बाद कोई भी कंपनसेशन सेंटर जो है स्टेट्स को नहीं देने वाला। अब ये भी एक मुद्दा है। अब ये जो कंपनसेशन है दोस्तों किस एक्ट के अंडर दी जाती है, ये दी जाती है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ठीक, 2017 में जब हमने जीएसटी पास किया उसी के साथ ये भी पास किया, ये तो करना ही पड़ता था क्योंकि इसके बिना स्टेट्स मान ही नहीं रहे थे। ठीक, अब
इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ये जो एक्ट है ये कर क्या रहा है, ये 14% जीएसटी कलेक्शन जो है एनुअल ग्रोथ की बात कर रहा है कि हर स्टेट के पास हर साल 14% एनुअल ग्रोथ होगी जीएसटी की कलेक्शन की, अगर नहीं होती तो वो भरपाई हम करेंगे। अब ये जितनी भी भरपाई सेंटर कह रहा है कि अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है हम भरपाई करेंगे, कैसे भरपाई करेगा सेंटर? दोस्तों सेंटर लगाता है कुछ चीज़ों के ऊपर सेस, सेस टबैको के ऊपर हो गया, पान बीड़ी के ऊपर सेस हो गया, ठीक है, कोल के ऊपर सेस हो गया। तो ये जो सेस का पैसा कलेक्ट किया जाता है, अब इसी एक्ट में एक और बात की गई है, वो बात क्या है कि जितना भी आप पैसा ये सेस के साथ कलेक्ट करेंगे इस पैसे को कहाँ पे रखा जाएगा? इसको रखा जाएगा इस कॉम्पनसेशन फंड में, ठीक है। ये एक्ट जो है ये कहता है कि आप जितना भी शॉर्टफॉल है आप स्टेट्स को दोगे, कैसे दोगे? सेस के थ्रू पैसा इकट्ठा करके, और सेस से जितना भी पैसा आएगा वो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पैसा जो है ये स्टेट्स को दिया जाएगा टू कॉम्पनसेट देयर लॉस, ठीक। अब सिनेरियो क्या बनता है दोस्तों इस अकॉर्डिंग, ये रहा चार्ट, ये चार्ट क्या कहता है, जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ गारंटेड टू द स्टेट्स, ठीक है, ये ग्रीन लाइन 14%, ठीक। और अगर देखा जाए पिछले 5 साल का ये डाटा दिखा रहा है 17 से लेके 21 तक का जीडीपी ग्रोथ, बजट एस्टीमेट ये है बट एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ जो है वो ये येलो लाइन आपको दिखा रही है कहाँ पे आ गई, ठीक। तो हुआ क्या, स्टेट्स का बहुत बड़ा एक जो उनको एक्सपेक्टेड था के कलेक्शन होगी वो नहीं हो पाई, ठीक। तो इससे दोस्तों होता क्या है, ये बन गया आपका, ये वाला चार्ट क्या दिखा रहा है कि येलो आपको क्या दिखा रहा है दोस्तों, कंपनसेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि ईयर बाय ईयर, अब जैसे लास्ट ईयर कोविड आया, कोविड के कारण जीएसटी कलेक्शन जो है स्टेट्स का बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, अब बट उनको प्रॉमिस कितना किया गया था 14%, तो मतलब क्या हो गया, वो गैप बढ़ गया। तो इसीलिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये गैप जो है आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक, क्यों? कॉम्पनसेशन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनका लॉस ज़्यादा हो गया, बट कॉम्पनसेट आप कैसे करोगे दोस्तों, कॉम्पनसेट करोगे आप सेस कलेक्शन से। तो सेस ये जो ब्लू वाला है ये आपको सेस कलेक्शन दिखा रहा है, बट सेस अगर आप देखा जाए तो आपके पास सेस ज़्यादा कलेक्ट नहीं हुआ, जितना लास्ट ईयर था उतना की नेक्स्ट ईयर हुआ, बट कॉम्पनसेशन आपको ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो कहाँ से फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो अब यही जो था ये पिछले 6 महीने पहले भी मुद्दा छेड़ा था सेंटर और स्टेट्स के बीच में कि हमें कॉम्पनसेट कीजिए, तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला था कि आप आरबीआई से लोन ले लीजिए, हम आपको सस्ते दर पे लोन दिलवा देते हैं, तो ये मुद्दा छेड़ा, कोई बात नहीं। अब जो रिसेंटली हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है दोस्तों, उसमें क्या मुद्दा है, अगेन क्योंकि स्टेट्स को बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी का, ठीक है, क्यों होना तो चाहिए था क्या 14%, बट अभी भी स्टेट्स के पास वो 14% वाला सिनेरियो नहीं रीच हो पा रहा, तो स्टेट्स क्या चाहती हैं कि जो 5 साल की वो स्लैब थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, अदरवाइज तो वो अगले साल ख़त्म होने वाला है। स्टेट्स चाहती हैं कि हमें अगले और 5 साल आगे सेंटर जो है कॉम्पनसेट करे बाय कलेक्टिंग दिस सेस, ठीक। तो ये मुद्दा अभी चल रहा है, इसके ऊपर कंसेंसस अभी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से ये रिसेंटली ये पूरा का पूरा जो है जीएसटी का वो न्यूज में रहा है, ठीक। अब ये कॉम्पनसेशन भी मैंने आपको बता दिया, अब आप लोगों की नॉलेज के लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 4 पिलर्स हैं, चौथा पिलर इनका कौन सा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इसमें से ना जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक टैक्स ऑन टैक्स वो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो टैक्स ऑन टैक्स अगर लगता जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, 100 रुपये वाली चीज़ मार्केट तक पहुँचते 300 रुपये की बन जाती है, ठीक है। और 300 रुपये अगर देखा जाए मार्केट में, अगर 10% गवर्नमेंट का टैक्स भी मान लिया जाए तो 300 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए 30 रुपये, बट 100 रुपये से जब टैक्स लगना शुरू होता है तो गवर्नमेंट के पास 100-125 रुपये पहुंच जाते हैं, तो वो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो उसी कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम जीएसटी लेके आए, और इसमें एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, जीएसटी जो है वो फाइनल किसके ऊपर लगेगा, कंज्यूमर के ऊपर लगेगा, ठीक है, जो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक। अब
इस पूरी की पूरी चेन में फ्रॉम द प्रोड्यूसर टिल कंज्यूमर जितने लोग भी बीच में आते हैं, प्रोड्यूसर है, उसके बाद होलसेलर है, रिटेलर है, जो कुछ भी है, जैसे जैसे परचेजिंग होती जाएगी गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता जाएगा, गवर्नमेंट आपको टैक्स बैक करती जाएगी, ठीक है, वापस करती जाएगी, पे बैक करती जाएगी। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आपका टैक्स जो भी आपसे कलेक्ट किया गया, अगली जब भी आप परचेजिंग करोगे उसमें आपको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। अगर मैं मान के चलूं, ये वाला एक मैंने बनाया छोटा सा, फर्स्ट सेलर है, जीएसटी 10% मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट रेट 100 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, इसने 10 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया और बन गया 110। इससे खरीदा किसने, बी ने, तो बी ने क्या किया अब दोस्तों, 110 ये 10 रुपए गए कहां पे, जीएसटी की फॉर्म में, ठीक। अब बी को क्या बोला गया कि जो भी आपने ये 10 रुपए दिए हैं, ठीक है, वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, आप टैक्स में ऐड इसमें इसको 110 रुपए अपनी कॉस्ट मत मानिएगा, आप अपनी कॉस्ट 100 रुपए ही मानिएगा, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए हम आपको वापस कर देंगे, ठीक। अब बी ने ये आगे सेल किया 120 रुपए का, ठीक है, उसकी कॉस्ट 100 रुपए है, उसने आगे सेल किया 120, तो उसके हिसाब से कितना टैक्स जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास, 12 रुपए। जो पहले वाले 10 रुपए हैं वो इसके पास वापस आ जाएंगे और यहां से 12 रुपए चले गए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। अब मान के चलो बी ने सी को सेल किया, अब सी ने आगे फर्दर 140 रुपए में सेल किया, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग उसकी भी 120 रुपए ही मानी जाएगी, ठीक। 140 इसने 12 रुपए दिए थे टैक्स की फॉर्म में सी ने, ठीक है, इसको वापस दे दिए गए, 140 के ऊपर 10% कितना हुआ दोस्तों, 14 रुपए। तो ये 14 रुपए अब गवर्नमेंट के पास चले गए टैक्स की फॉर्म में। अब अगर देखा जाए तो फाइनल ये जो सी ने डी को सेल किया, डी क्या है दोस्तों, डी है आपका फाइनल कंज्यूमर। तो फाइनल कंज्यूमर मैंने क्या कहा, टैक्स किसको बियर करना होगा, फाइनल कंज्यूमर को। ये जो 14 रुपए का टैक्स है ये कौन दे रहा है आपको, डी दे रहा है, क्योंकि सी तक जितने भी टैक्स पे किए गए थे वो सारे के सारे वापस आ गए, और डी का जब बिल कटेगा वो 140 प्लस 14 रुपए का कटेगा, और ये 14 रुपए फाइनली गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। इससे पहले जितने भी टैक्स कलेक्ट हुए हैं वो वापस आ गए, और अगर अब देखा जाए दोस्तों तो ये 140 के हिसाब से कितना टैक्स बनना भी चाहिए, फाइनल 14 रुपए ही, ठीक है। तो ये जाएगा गवर्नमेंट के पास, और ये किसको बियर करना होगा, ये फाइनल कंज्यूमर डी को। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, 12 रुपए वापस आना, 10 रुपए वापस आना, इसको कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक। तो ये बेसिक जो है 4 पिलर्स हैं जो आपके जीएसटी सिस्टम के, और भी हैं, ठीक है, बट ये आज के लिए मैंने डिस्कशन का मुद्दा रखा था जो जरूरी है, ठीक है, आपको पता होना जरूरी है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो मेन जीएसटी कॉम्पनसेशन का मुद्दा है जो हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, जीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।